हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे दही परवल। गर्मी में बहुत ही डेलीशियस एंड सिंपल इजी सा रेसिपी है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 15 से 16 परवल, तो चलिए पहले इसको छील लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी परवल को अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। मैं गैस में एक पैन चढ़ा के इसमें डाल रही हूँ ऑयल। 2 टेबलस्पून अराउंड मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया है, अभी इसमें मैं इस परवल को दे दूंगी फ्राई करने के लिए। मैं लो और मीडियम फ्लेम एडजस्ट करके इसको फ्राई करूंगी। फ्लेम को मीडियम में रख के मैं इसको ढक रही हूँ। मैं थोड़ा सा ढक ढक के इसको फ्राई करूंगी। बीच बीच में मैं ढक्कन खोल के थोड़ा सा इसको चला लूंगी। कवर करके फ्राई करने से क्या होगा, ये परवल थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो ग्रेवी के टाइम में हम लोगों को ज्यादा देर तक इसको पकाना नहीं पड़ेगा। जब तक परवल फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग इसको पीस लेते हैं। 2 मीडियम साइज प्याज लिया है मैंने, राफली चॉप कर रहे हैं। तो अभी इस ग्राइंडर में हम डाल रहे हैं प्याज, 2 इंच अदरक, 3 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, 7 to 8 pieces कैशियो नट्स, और ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अभी हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। नाउ यू कैन सी कि अच्छा एक पेस्ट मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं परवल कितना हुआ है। आप देख सकते हैं कि परवल पूरा फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसको ऑयल से निकाल लूंगी। मैं वही ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ ग्रीन चिलीज। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिलीज ऐड कीजिए। मैंने जो पेस्ट बनाया था वही मैं डाल रही हूँ इसमें। इसको अभी हम मिला लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। गैस को लो मीडियम में रख के आप कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये मसाला पूरा रेडी हो गया है, क्योंकि ये पैन से नहीं चिपक रहा है। मैंने इसको टोटल 8 to 9 minutes अच्छे से कंटिन्यूअसली स्टर किया है। आप कंटिन्यूअसली इसको स्टर कीजिए, नहीं तो नीचे लग सकता है। इसी पेस्ट में मैंने कैशियो नट्स डाला था, जो ऑप्शनल है। आप चाहे तो उसके बिना भी ये रेसिपी बना सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है, बहुत अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी मैं गैस को लो में कर रही हूँ और इसमें ये दही डाल रही हूँ। ध्यान में रखिए कि आपको ये दही अच्छे से फेंट के उसके बाद ही डालना है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब भी आप दही ऐड करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको फ्लेम को लो में करके फिर दही ऐड करना है, नहीं तो दही फट सकता है। तो अभी इसको हम 1 से 2 मिनट चला लेंगे लो फ्लेम में। 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टेबलस्पून शुगर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। शुगर यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें परवल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। मिला लेंगे इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 4 से 5 इलायची तोड़ के ऐसे डाल दूंगी, फिर उसके बाद मिला लूंगी। ध्यान में रखिए इलायची फर्स्ट में नहीं ऐड करना है, पानी ऐड करने के बाद ही इलायची इसमें डालना है। इलायची का फ्लेवर इसमें आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो अभी मैं फ्लेम को मीडियम में कर रही हूँ और इसको मैं कवर करके 5 मिनट्स पका लूंगी। 5 मिनट्स बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ और गैस को लो में कर रही हूँ। मिला लेंगे इसको एक बार। परवल पूरा सॉफ्ट हो गया है। मैंने फ्राई करने के टाइम में थोड़ा सा ढक के फ्राई किया था, इसीलिए मेरा 5 मिनट्स लगा है। अगर आप ढक के फ्राई नहीं करेंगे तो 7 to 8 मिनट्स में परवल पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसको सर्व कर लूंगी।